हार्दिक पांड्या के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत भारत ने गुरुवार रात साउथहैम्पटन में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड को 50 रनों से मात दी। इस मैच के स्टार रहे हार्दिक ने इस मैच में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया। हार्दिक ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके और साथ ही टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला अर्धशतक भी जड़ा। 199 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम की शुरुआत खराब रही और आईपीएल 2022 के ऑरेंज कैप होल्डर जॉर्ज बटलर को भुवनेश्वर कुमार ने गोल्डन डक पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेसन रॉय, डेविड मलान और लियाम लिविंगस्टन को एक के बाद एक चलता किया। हार्दिक की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने मेजबान टीम टिक नहीं पाई और 148 रनों पर ही ढेर हो गई। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेने के बाद भारत ने शुरुआत में ही कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन का विकेट गंवा दिया था, लेकिन दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार ने पारी को संभाला। हालांकि वह हार्दिक पांड्या ही थे जिनके अर्धशतक ने भारत को 199 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। मैच के बाद हार्दिक ने कहा कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला है। सर, कहीं ना कहीं सर मेहनत हमेशा कहीं ना कहीं तो फल देती है। मैं हमेशा मानता हूं अगर आप अच्छे साफ दिल से अगर मेहनत करो और इंटेंशन साफ रखो लाइफ में, कहीं ना कहीं ठीक है। मेरा पॉइंट हमेशा वो रहता है कि मैं प्रिपेयर कैसे अच्छे कर सकूं, और रिजल्ट तो कभी हाथ अपने मेरे हाथ में आएगा कभी नहीं आएगा। हालांकि अभी जो चीज़ भी कर रहा हूँ वो हो रहा है, और वो मुझे ज़्यादा ऊपर मेरे माइंडसेट में मेरे को ज़्यादा ऊपर नहीं ली जाती ना नीचे लेके जाती है। मैंने एक चीज़ सीखा कि कितना मैं न्यूट्रल रह सकूं लाइफ में, और आज अच्छा दिन है कल शायद खराब दिन हो, लेकिन पॉइंट वो है कि लाइफ तो चलती रहती है। सो हंसते रहो और मेहनत करते रहो।